मेनुका ऐसी एंकरिंग करके उसको इनवाइट करो स्टेज पे कि लोग देखते रह जाए, हैरान हो जाए। कमाल, बाप रे, मैं ट्राई जरूर करूंगी। तो चलिए बुलाते हैं हमारे इंडियन आइडल सीजन 14 की उस आवाज को जिसकी मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दीवानी है, जिसके कमबैक का इंतजार हम सब ने इतने साल से किया। अरे बाप रे, वो आज 8 साल बाद हमारे बीच आने वाले हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन हुसैन। थैंक यू, आउटस्टैंडिंग, सो गुड, वेरी स्वीट। इतने प्यार से बुलाया मेनुका, आज तक मेरी बीवी ने मुझे इतने प्यार से नहीं बुलाया जितनी प्यार से आपने मुझे बुलाया। बस जोरदार तालियां एवरीवन, कम ऑन, लेट्स हियर इट फॉर मेनुका फॉर देम। थैंक यू सो मच। माय गॉड, गली में आ चांद निकला,
आके कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आइए बताओ आइए। मेरा नाम महेश भट्ट है। ये सब मैं जानती हूँ आपको। मैंने ये फिल्म डायरेक्ट की है। ये मेरी अपनी जिंदगी की दास्तान इसमें कैद है। ये मैंने अपने जख्मों को कुरेद के ये फिल्म बनाई थी, जिसको नेशनल अवार्ड मिला था और अजय देवगन साहब को भी अवार्ड मिला था। और मुझे गर्व है कि इस फिल्म में हमने उस हिंदुस्तान का जिक्र किया है जो इस मिली जुली तहजीब को सेलिब्रेट करता है। थैंक यू सर। मुझे आज इस बात पर यकीन हो गया कि एक आँख दिल के पास होती है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि चांद जो तूने दिखाया ना बेटा, वो चांद तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। थैंक यू सो मच। इसका जो अंतर है ना, तुमने इतना खूबसूरत गाया क्योंकि इन शब्दों में बहुत गहराई है। क्या था वो? दारे आज की रात जो मैं सो जाती, फिर खुलती आँख सुबह हो जाती। इसका क्रॉस का? मैं तो हो जाती बस बर्बाद, मैं तो हो जाती बस बर्बाद, गली में चांद निकला, गली में चांद निकला, खुलती आँख सुबह हो जाती, मैं तो हो जाती बस बर्बाद, मैं तो हो जाती बस बर्बाद, गली में चांद निकला। अरे ये बस कलेजा फाड़ देता है गाना। बस तो हो जाए तो हिट से ज्यादा लेट। चलो आगे बढ़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर प्रेजेंटिंग आइडल के उस्ताद कोलकाता वेस्ट बंगाल से शुभदीप दास चौधरी। I'm
वंडरफुल, एक अलग माहौल आपने यहाँ पर बना दिया है श्रेया। शुभदीप, आज तुम्हारा परफॉर्मेंस वाज नॉट ओनली सिंगिंग, इट वाज नॉट सरगम्स, इट वाज नॉट तैयारी, देयर वाज समथिंग स्पेशल, समथिंग डिफरेंट। मैम उनका मेलेडी, या हिज मेलेडी हैज दैट पावर कि किसी के दिल में ना वो जगा सकता है वो रूह। शुभदीप, आपकी उम्र क्या है? सर 25 सर। मैं बहुत फ़ख्र करता हूँ आपके ऊपर। जो गाना आपने गाया तो उसे ना लगा के, जब ये गाना मैंने बनाया था मैं 20 साल का था। वाह, आर यू सीरियस? क्या बात है यार, 20। मेरे फादर एक्चुअली बहुत नामी कंपोजर और अरेंजर है, श्री नरेश शर्मा, मेरे गुरु भी है। मेरा भी भाग्य रहा है उनके साथ गाने का। उनको एक्चुअली श्री मुकेश भट्ट जी ने बुलाया था, जहर और कलयुग के जो म्यूजिक है वो रिकॉर्ड करने के लिए। जब पापा उस मीटिंग के लिए गए थे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत यंग डायरेक्टर है और एक बहुत यंग गायक है, तो डैड ने कहा कि मुकेश जी मैं थोड़ा सा यहाँ पे उम्र दराज महसूस कर रहा, तो सही होगा कि मेरा बेटा जो एक म्यूजिशियन है मैं उसको भेजता हूँ। तो डैड ने मुझे कॉल किया, कहा कि आप इस मीटिंग के लिए जाओ। तो मैंने कहा डैड मैं नहीं जा सकता, मैं कॉमर्स के लेक्चर में हूँ।
तो उन्होंने कहा कि लेक्चर खत्म होते साथ आप जाइए. तो मैं इस मीटिंग के लिए गया था और मैं जब उस कमरे में मैंने प्रवेश किया तो मुकेश भट्ट जी थे, महेश भट्ट साहब थे और दो युवक थे जो मुझे हम उम्र लग रहे थे. एक थे 22 साल के मोहित सूरी जो हमारे डायरेक्टर है और दूसरे थे 21 साल के आतिफ असलम जो उस गाने के सिंगर थे. वहाँ से फिर जो शुरुआत हुई, हमने जाके फिर उस गाने को रिकॉर्ड किया और उसके तुरंत ही बाद मैंने तोसे नना लागे रिकॉर्ड किया. इसका जो मुखड़ा है वो असावरी राग पर आधारित है, तोसे नना लागे. तो मैंने रिकॉर्ड भी किया है पद मद पगारे सा सारे गमा. तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी आवाज में हम इसको सुने. कुछ ऐसे ही गाया सर. जब मैंने इस गाने को बनाया कहीं ना कहीं शुभदीप मेरे अंदर एक फियरलेसनेस थी. लोग क्या समझेंगे, लोग क्या सुनेंगे, उसके बारे में उस वक्त नहीं सोच रहा था. जब आपने तोसे नाने लागे का पहला लाइन आपने जब उस सुर लगाया, वो फियरलेसनेस, वो बेबाकी और वो कॉन्फिडेंस मैंने आपके अंदर देखा. क्या बात है. ये परफॉर्मेंस हिट से ज़्यादा लेट है. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.